अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर आसिम जान और आज हम जुमातिदा हम यानी क्लास 10 की हमारा टॉपिक है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से पहले कुछ टॉपिक पढ़ना लाजमी है और उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज का बाकायदा आगाज़ करेंगे और HTML कोर्स के टेक्स्ट को एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कोर्स का आगाज़ करते हैं और पहला टॉपिक है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क विच कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। इंटरनेट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। World Wide Web use internet for the access and sharing of the resources. It facilitates people to get nourish from knowledge, thinking and to communicate with each other. World Wide Web yani internet ek alamgir ya duniya ke satah ka network hai jiske zariye lakhon log ek dusre ke sath computeron aur dusre alat yani mobile phone ya tablet ya personal data assistant wagaira ko jod sakte hain। वर्ल्ड वाइड वेब वसाइल या रिसोर्सेज की इश्तराक और पहुंच के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। ये लोगों को इल्म, सोच और रबते की सहूलत फराहम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फैसिलिटेट अस टू शेयर अ लिंक। द डॉक्यूमेंट विच कैन बी लिंक इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आर लिंक विद ईच अदर सो दैट दे कैन ईजीली बी सर्च बाई द इंटरनेट यूजर्स। यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से मरबूत या लिंक किया जाता है। उस दस्तावेज़ को हम हाइपर लिंक कहते हैं, यानी जो दस्तावेज़ इंटरनेट पर हम देख सकते हैं उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि सारिफिन उन्हें बआसानी तलाश कर सकें। यानी पेजेस या डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजात को एक दूसरे से लिंक किया जाता है ताकि जो यूज़र उस मतलूबा टॉपिक या उनवान को सर्च या तलाश करना चाहे तो वो उसे आसानी से मिल सके। अच्छा जनाब, डॉक्यूमेंट विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ प्रिपेयर्ड इन HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेब पेजेस। यानी इंटरनेट पर मौजूद आप जो दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वो HTML ज़ुबान में तैयार किए जाते हैं। HTML मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सफ़ात या पेजेस तैयार किए जाते हैं। ये वो बुनियादी लैंग्वेज हैं जो इंटरनेट पर मौजूद मवाद या डेटा की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ HTML कोर्स शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है वेब पेज। अब वेब पेज किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट थ्रू वेब ब्राउज़र। वी कैन गेट एक्सेस टू इट। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल URL एब्रिवेशन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। इन वेब पेजेस वी हैव टेक्स्ट इमेजेस और पिक्चर्स ऑडियोज एंड वीडियो क्लिप्स एट्सेट्रा। यानी वेब पेज या इंटरनेट वाले सफ़ात इंटरनेट पर मौजूद वो दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट है जो कि वेब ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए देखी जा सकती हैं। वेब पेज में टेक्स्ट यानी लिखाई, मसलन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स यानी आदाद या ख़ास अलामत, या किसी भी ज़ुबान में लिखाई मसलन उर्दू या इंग्लिश या कोई भी चाइनीज़ जैपनीज़ वग़ैरह। इसके अलावा तस्वीर यानी पिक्चर्स, ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स वगैरह में मौजूद होता है। हमारा अगला टॉपिक है वेबसाइट।
Website is a collection of web pages that are linked together and are placed on web server. Website आपस में जुड़े हुए वेब पेजेस का मजमुआ होता है, यानी कई पेजेस या सफात मिलकर वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि किसी भी वेब सर्वर पर रखे हुए होते हैं। वेब सर्वर वो कंप्यूटर है जिस पर ये डेटा ऑनलाइन पड़ा होता है। इसके बारे में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वेब ब्राउजर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ओपन इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट यूजिंग URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंफॉर्मेशन ऑन द वेब कैन बी रिसीव्ड यूजिंग वेब ब्राउजर। वी कैन एक्सेस मैनी वेबसाइट्स एट द सेम टाइम यूजिंग डिफरेंट विंडोज। इंटरफेस ऑफ वेब ब्राउजर इज GUI, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज। फेमस वेब ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एटसेट्रा। यानी वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए इंटरनेट पर मौजूद मालूमात को देखा जा सकता है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का इस्तेमाल करके हम वेब ब्राउजर में एक ही वक्त में कई वेबसाइट्स को मुख्तलिफ विंडोज़ में खोल सकते हैं। वेब ब्राउज़र का माहौल ग्राफिकल होता है, यानी तस्वीरी शक्ल होती है जो कि समझने और इस्तेमाल करने में आसानी पैदा करता है। यानी वेब ब्राउज़र का माहौल ग्राफिकल होता है, मतलब उसमें मेन्यूज़, टूल बार्स और मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल आसान बना देता है। मशहूर वेब ब्राउजर्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल वालों का गूगल क्रोम है और मोजिला कंपनी का मोजिला फायरफॉक्स है। हमारा अगला टॉपिक वेब सर्वर है। वेब सर्वर आर द कंप्यूटर्स विच स्टोर्स डेटा आर वेब पेजेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वी नीड इट make it available to the users. Each web server contains its specific IP, yani internet protocol address and possible domain name. For example, HTTP or their full colon double slash www.pakistan.gov.pk. Web server wo computers hote hain जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स का डेटा स्टोर या महफूज होता है। सारिफिन के लिए ये डेटा ज़रूरत के वक्त दस्तियाब होता है, बल्कि हम वक्त दस्तियाब होता है। हर वेब सर्वर का मखसूस आईपी एड्रेस और डोमेन नेम होता है। यानी वेब सर्वर के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं, एक है उसका मखसूस आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और दूसरा उसका नाम। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज एन एड्रेस ऑफ एक्सेसिबल फाइल स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। टू ओपन अ वेबसाइट एन इजी वे इज टू टाइप इट्स होम पेज URL इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। URL किसे कहते हैं? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक मखसूस एड्रेस होता है जो कि महफूज शुदा डेटा तक रसाई के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर HTTP और bisemdn.edu.pk या aiou.edu.pk, हर वेबसाइट का एक मखसूस एड्रेस होता है जिसे हम URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL जिसका मुखफ्फ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए उसका URL किसी भी वेब ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में टाइप कर दें और उसी वेबसाइट का डेटा आपके सामने आ जाएगा। सर्च इंजन इज अ वेबसाइट और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ नॉट
an easy task to reach certain information because there are millions of web pages that can be accessed. Search engines are designed in such a way that it helps the user to search specific information. इसको हम उर्दू में यूँ बयान कर सकते हैं कि सर्च इंजन कोई वेबसाइट या मखसूस सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंटरनेट पर मौजूद डेटा में अपना मतलूबा डेटा तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलूबा मालूमात तक रसाई आसान काम नहीं क्योंकि इंटरनेट पर लाखों वेब पेजेस को स्टोर किया गया है। इस काम के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर में मालूमात तक रसाई में कम टाइम और सही मतलूबा नतायज फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महारत यानी टेक्निक्स और एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसी भी सार्फ के तलाश करदा मखसूस डेटा को उसके स्क्रीन पर उसके सामने लाया जाता है। होम पेज, होम पेज इज द फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट अ सर्टन पेज इज ओपन्ड। होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला सफ़ा होता है जो वेबसाइट के खुलते ही हमें नज़र आता है। यानी जब हम वेब ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं या कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पर www.google.com, तो उसी वेबसाइट का पहला पेज हमारे स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग इज अ फैसिलिटी दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय वेब होस्टिंग कंपनीज सो दैट और वेबसाइट डेटा कैन बी प्लेस्ड ऑनलाइन एंड अवेलेबल टू द यूजर्स। दोज कंपनीज मेक इट श्योर दैट और वेबसाइट डेटा विल बी अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर टू द यूजर्स। देयर इज नीड अ परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन एंड अ वेब सर्वर टू गिव सर्विसेज टू होस्ट वेबसाइट्स। वेब होस्टिंग किसे कहते हैं? वेब होस्टिंग एक ऐसी सहूलत या फैसिलिटी है जो कि वेब होस्टिंग मुहैया की जाने वाली कंपनियों की तरफ से दी जाती है ताकि हमारे वेबसाइट का डेटा ऑनलाइन स्टोर और सारिफीन के लिए हर वक्त दस्तियाब बनाया जाए। इस काम के लिए एक मुस्तकिल इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए डेटा बिला तातुल यानी बग़ैर किसी डिसकनेक्शन के और हर वक्त 24/7 यानी हर वक्त इस्तेमाल के लिए दस्तियाब होती है। मशहूर वेब होस्टिंग कंपनियां जो के ब्लू होस्ट या होस्टिंगर, ए टू होस्टिंग या ड्रीम होस्ट वगैरह हैं।